मेरी हाँ बारी। आप अपना तारक, अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम जिशान जी जिशान भाई। है। जो तो जो आपके जो पेज पे सारी वो वीडियो जो सारे इस्लामिज्म के बारे में जो भी आपने कहा है वो सारा सुन के मैं तुमसे बात करूँ इसके। अच्छा, आप इस्माइली हैं भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या सवाल, आपके सवाल हैं या एतराजात हैं, क्या है? मेरा सवाल यही है कि आप जो इस्माइली जमात के जो इमाम है उससे गलत जाना चाहते हैं या इस्माइलिज्म जो है गलत है जो लोग के वो गलत है क्या कहना है। जो सारे प्रोग्राम आपके सारे जो गुफ्तगु है मैंने सारे कुछ मैंने सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपके पते। अच्छा, मतलब अब जो समझ नहीं आ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो अगर बहुत आप सारे सुने सर। सारे सुन लिए, तो मेरे भाई अगर सारे सुने तो उसमें से आप मुझे ये बताइए कि मैंने कौन सी बात गलत की है जो आपको लगता है कि ये नहीं कहनी चाहिए थी। कि आप जो इमाम को गलत चलाते हैं या जो है इस्लामी जमात है उन लोगों को आप कह रहे हैं कि आप ये लोग गलत कर रहे हैं तो यही पूछना था। देखिए भाई, इस्माइली जमात से तो हमारी हमदर्दी है, क्योंकि मैं खुद भी इस्माइली जमात से ताल्लुक़ रखती थी, और हमें पता है कि हमें किस तरह जो है वो जो बातें की जाती थी। और मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे भी ये लगता था कि मैं सही मजहब पर हूँ, सही इमाम को फॉलो कर रही हूँ, और जो भी मैं कर रही हूँ वो इस्लाम ही है। तो जब कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी और उसको कंपैरिजन किया इस्माइलिज्म से, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस्माइली मजहब जो है वो जो इमाम ने लाकर दिया है जमात को, तो वो गलत है। तो इस हिसाब से जो आप, जो हम, हमारे इस्माइली भाई बहन हैं, उनका कोई कसूर मैं इतना नहीं मानती, क्योंकि बचपन से ही जो माँ बाप बताते हैं, सिखाते हैं, हम उसी पर चलते रहते हैं और कभी सवाल नहीं करते, क्योंकि कभी जहन में आया ही नहीं कि हम गलत हो सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर आप बिल्कुल एक न्यूट्रल माइंड के साथ जब पढ़ना शुरू करेंगे ना कुरान को और हदीस को, तो आपको समझ आएगा कि इस्माइली मजहब के जो भी तरीके हैं या जो भी चीज़ें हैं उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है भाई। तो मैं इस चीज़ में अगर कसूरवार ठहराती हूँ तो 100% आगा खान को ठहराती हूँ, जो कि हाजिर इमाम है इस्माइली जमात के। जी भाई बोलिए। आखान ने तो कभी नहीं कहा कि आप जो है मेरी इताअत करो मेरे लिए सजदा करो। कभी आपने सुना बिल्कुल बिल्कुल आप खुद भी इस्माइली हो तो आप जमात में कहीं सुना है मेरी इताअत करो मेरा मेरे लिए जो सजदा करो कहीं कुछ सुना बिल्कुल आप। बिल्कुल 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 100% सुना है। उसका रीजन यह है कि अगर आप इमाम के फरमान उठाएं, और अभी उनका एक रीसेंट इंटरव्यू हुआ है जिन्होंने उसमें साफ कहा है कि इमाम का जो मकसद है वो अपनी इस्माइली जमात को गाइड करना है, और कुरान की जो सही, गाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि आप कहीं पे भी उसने नहीं कहा मैंने तो आज तक आप भी इस्माइली हो तो पहले इस्माइली थी कभी नहीं सुना होगा मुझे पता है। आज तक मैंने तो नहीं सुना है कि इमाम ने कहीं की जगह पे क्या किसी फरमान में उसने कहा हो कि मेरी इताअत करो मेरे लिए सजदा करो कहीं पे आपने सुना है। जवाब तो मैंने क्यों, तो नहीं सुना आज जवाब तक। मैं बाकी ना जो सारे प्रोग्राम आपके मैंने सुन लिया है तो तकरीबन एग्री करता हूँ सही इस्माइली जमात गलत कर रही है लेकिन इमाम ने कहीं पे कहीं कहा कि मेरे लिए सजदा करो मैं जो है ठीक मुझसे है मांगू। जिशान भाई, जवाब सुन लो। देखो इमाम, हाँ आप जो इस्माइली दुआ में पढ़ते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम, जब आप ये पढ़ते हैं तो ये इस्माइली दुआ में क्यों डाला गया? कभी आपने ये सोचा है कि ये इतना सा जुमला क्यों डाला गया? इसका मकसद ये था, बात पूरी सुन लीजिए, कि आपको बताया जाए कि अल्लाह की अतात, नबी की अतात और फिर इमाम की अतात, और उसके बाद आप जो भी अपना दसवन डालते हैं वो इमाम की ही फरमान पे डालते हैं। अगर आप इस्माइली दुआ पढ़ते हैं तो वो भी इमाम के कहने पर पढ़ते हैं, अगर आप दीदार पर जाते हैं तो वो भी इमाम के कहने पर, बातनी रोजा रखते हैं तो वो भी इमाम के कहने पर, और आप सबको ये बताया जाता है कि कयामत वाले रोज हर कोई अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, तो आप लोग उसको इसी तरह मानते हो कि कयामत वाले रोज वो हमारे साथ होगा।
तो इमाम का काम जब गाइड कर, साथ तो अभी आपने खुद कहा ना, साथ तो इमाम है, वो गाइड करता है। वो गाइड इसलिए नहीं करता है कि वो मेरी जमात जो है मेरे लिए सजदा करे। आपने और इमाम की, मैंने भी कई गुफ्तगू मैंने इमाम की सुनी। मैंने इमाम खुद कहता है, इमाम मुश्किल के वक्त, जब आप मुश्किल में हो, अल्लाह का नाम लो, मोहम्मद का नाम लो, अली का नाम लो, कहीं पे आपने सुना है कि आप हाजिर इमाम को पुकारो? तो आप मुझे देखिए, कहीं अब पे आपने आप सुना है? सवाल, कभी नहीं सुना है। ठीक है, देखो हाँ आपने एक जवाब, एक सवाल किया, अभी मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था, आपने एक और सवाल कर दिया, कोई मसला नहीं है, मैं आपके सवाल के सारे जवाब दूंगी। देखिए जब मैंने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बात की ना, तो आप लोग जो भी करते हैं, अगर इमाम का काम जो है वो जमात को गाइड करना है, और आपने खुद कहा कि इस्माइली जमात गलत हो सकती है, इमाम नहीं हो सकता, तो जब एक जिंदा इमाम अपनी जमात को गाइड नहीं कर पा रहा और जमात की जमात पूरी ही गलत तरीके पे चल रही है, तो फिर उस गाइड का मकसद क्या हुआ? उसका काम तो अधूरा रह गया। तो अब मैं बताऊंगा ना, अब मैं बताऊंगा आपको। आप अगर अहले सुन्नत के अंदर आप देखो तो बहुत सारे लोग, उनको पता ही नहीं है हज क्या है, उनको पता नहीं है जकात क्या है, उनको पता नहीं है रोजा रखना क्या होता है, उसका जो मतलब क्या है, मकसद क्या है, उसका मुसलमान पे उसका क्या असर है। तो वो सारे लोग, उनको मैं कहूंगा, उनको या गाइड नहीं हो रही है, या वो लोग मुसलमान नहीं है। तो जवाब इसी जवाब तरह सुन आपको लीजिए, पता है, इसी तरह आप, जवाब सुन लीजिए, इसी तरह आप। जवाब सुन हाँ लीजिए। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने नबी के जरिए जो है वो कुरान पाक दे दिया, उसमें तमाम गाइडलाइंस मौजूद हैं, और उसमें ये भी कह दिया बिल्कुल कि जो अल्लाह के हुक्म को मानेगा, नबी की शरीयत को मानेगा, उसके तरीके पे चलेगा, वो मुसलमान है, ठीक है। अब अगर कुरान को कोई नहीं पढ़ता, उस पर अमल नहीं करता, तो वो गुनहगार होता है, ठीक है। अब आपके हाँ इमाम ने बिल्कुल कहा कि मुसलमानों, जो हम लोग मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं, उनके पास कुरान तो मौजूद है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, तो बिल्कुल आप इस्माइली जमात ये कहते हैं कि हम जो हैं वो इमाम की गाइडेंस में बिल्कुल सही तरीके पे चल रहे हैं, यानी आप अपने आप को एक नंबर आगे कहते हैं कि आप, हमारे पास कुरान भी है और उसको समझाने वाला गाइड भी है। तो जब आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, बात सुन लीजिए, जब आपके पास दोनों चीजें मेरे भाई मौजूद हैं, तो फिर भी अगर एक इंसान कुरान के होते हुए, एक जिंदा गाइड के होते हुए भी गलत तरीकों पे चले, तो इसका मतलब ये है कि गाइड जो है वो इतना गाइड नहीं कर रहा। आपकी इतनी बड़ी जमात ने कनाडा में गे प्राइड पता है क्या है? वो जो हम जिंस परस्त लोग होते हैं, जो आदमी आदमी से रिश्ता रखता है, औरत औरत से रखता है, उसकी बहुत बड़ी गे प्राइड जो है वो कनाडा में निकली थी, और इमाम को उस चीज का पता था, पूरी आधी जमात उधर मौजूद थी, तो हाजिर इमाम ने अभी तक उसके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा कि ये जो था ये हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्माइली कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, और ये जो लोग निकले हैं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी इस्माइली गे प्राइड के नाम पे आप लोगों की वेबसाइट है, वहां पे जाइएगा, उसका नाम है इस्माइली, हाँ क्यूर्स, इस्माइली क्यूर्स नाम की वेबसाइट है, उसमें साफ लिखा है कि हम इस्माइली कम्युनिटी के लोग, जो कि हम जिंस परस्त हैं या जो गलत गलत काम में मुलव्वस हैं, वो इसमें आके रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी तक कम्युनिटी के लोगों को यही क्लियर नहीं है कि हमारे इमाम ने हमें मना किया है या करना है, नहीं करना है, तो भाई ये तो गाइडेंस अधूरी रही ना आपकी। तो मैं इस तरह की बात बहुत सारी है, देखो मुसलमानों में सारे बात में, आपने जैसे आपने उन लोगों का जो है, उनका जो मिसाल दिया, मैं भी आपको, ये परसों की बात है, आपको सारे लोगों ने, भगवान ने ही बताया है कि जो रसूल सलम के नाम पे बंदे को जलाया गया परसों ही। तो वो लोग, उनका क्या है, उनको क्या मिसगाइड हो रही है, या वो हाँ लोग मुसलमान, और ये रसूल ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे आप लोगों को जलाओ, लोगों को दफनाओ, बिल्कुल सही लोगों को बात है, मारो, कहीं पे कहा है उसने? बिल्कुल सही बात है, कहीं नहीं कहा। तो और ये ऐसे लोग, भाई बात सुन लीजिए मतलब ना, बात सुन मतलब लीजिए, ये ना, मेरी बात सुनिए, ऐसे लोग हर फिरके में है, ऐसे लोग हर फिरके में है, जो गलत जो आप कंसेप्ट रखते हो वो अलग है ना। एक बात सुन लीजिए, ठीक है जीशान भाई, अगर आज के दौर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते और इस तरह का कोई काम होता, तो क्या हमारे नबी जो है वो एक बड़ा सा पैगाम ना लिख भेजते
कि ये जो तुम लोगों ने मेरे नाम पे किया है या इस्लाम के नाम पे किया है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वो जिंदा होते तो गाइड करते, अब वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। हमारे पास कुरान है, और आप भी कह रहे हैं कि नबी ने कहीं नहीं कहा, कुरान भी कहीं नहीं कहता, और जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। लेकिन आप लोगों के हाँ आपका इमाम जिंदा है। अगर आज मैक्रोन ने, जो फ्रांस का जो सदर है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनवाए, नाउजु बिल्ला, कार्टून बनवाए, उस पर उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग पर उसका कार्टून लगा दिया था, तो सारी उम्मत जो है वो बिलबिला उठी थी, सारे के सारे जो है उसको कंडेम कर रहे थे। क्या आपके पास आपके इमाम का कोई एक भी ऐसा चीज है जहां उन्होंने ये कहा हो कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे अबाओ अजदाद, मेरे जो परदादा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मैं आल में से हूँ, उनके नाम पे ये कार्टून बन रहे हैं और मैं इसको इसकी मुजम्मत करता हूँ, मुझे एक मुजम्मत दिखा दीजिए। या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है वो लोग जो है वो खुद को खुदकुश हमलावर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आपके इमाम उसको कभी कंडेम करते हैं? आपकी जमात की इतनी बड़ी रैली निकली, हम जिन्स परस्तों की, जिन्होंने गे प्राइड में हिस्सा लिया, आपके इमाम का एक भी फरमान मौजूद नहीं है कि ये मेरी जमात से ताल्लुक नहीं रखते और मैं इसको नहीं मानता, और जो ये लोग करेंगे वो सरासर गुनहगार होंगे। आपके इमाम ने आज तक मुझे बताइए कि कभी भी ये कहा हो कि मेरी जमात जो है वो नमाज पढ़ेगी, हज पे जाएगी, रोजे रखेगी, कहीं नहीं कहा। बल्कि मेरे पास तो इस तरह सारे फरमान मौजूद हैं जहां आपका इमाम ये कहता है कि नमाज जो है उसकी असल रूह जो है वो दुआ है, हज की जगह दीदार है, जकात की जगह दसवन देना है। तो जो चीजें अल्लाह के, कभी ऐसा नहीं कहा कि वो दीदार है, हज की जगह दीदार है। तो दीदार है कहते तो, अगर यहाँ से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, जो इस्माइली कम्युनिटी के, वहां जाके हज क्यों करते हैं, उमरा क्यों करते हैं? जो इस्माइली कम्युनिटी जिनकी जो है आमदनी, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हो या ऐसे जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाके क्यों करे? अगर ईमान कह रहा है तो ईमान ने कभी नहीं कहा कि आप हज की जगह आप जो है दीदार करो, ठीक है। कभी कहा है, नहीं कहा है, मैंने तो नहीं तो सुना है। जिशान भाई, फिर मुझे ये बताइए कि आपके इमाम ने खुद कब हज किया है, या उनके किसी बच्चे ने हज पे गया हो, या आपके इमाम जो है वो खुद इस्माइली जमात के अंदर कम्युनिटी सेंटर में आके कभी उन्होंने दुआ पढ़ी हो, या वो बाकायदा 5 वक्त की नमाज को उन्होंने बात की हो? मुझे ये बताइए कि आपके इमाम ने जब रमजान के महीने में अपना वो वहां पर म्यूजियम खुला था, तो बीच रमजान में दोपहर के टाइम वो लोग खाना क्यों खा रहे थे, वहां पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों हुई? देखो मेरे भाई, अगर आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपके इमाम नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं, तो आप बताओ कि वो कैसे गाइड हुए, जो खुद अपनी जमात को गाइड नहीं कर सकते कि क्या करना है। आप लोग हज पे तो जाते हो, लेकिन आपने कभी अपने इमाम को सोचा है कि वो खुद क्या करता है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म पहले दिया, सबसे पहले खुद अमल करके दिखाया और फिर लोगों को कहा कि ये इस तरह करो। आपके इमाम ने खुद क्या करके दिखाया है आपको? नमाज पढ़ के दिखाई है। जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए वो इमाम ने कहे, कभी नहीं कहा कि ये सही हो रहा है। उसने भी हमेशा मना किया है। उसने अपने, वो आपने जो प्रोग्राम पे आपने बराह रास्त आपने दिखाया भी है, फैमिली उसकी बेटी नशा कर रही है, उसकी फैमिली नशा कर रही है, लेकिन इमाम को कभी देखा आपने नशा? और उसकी जो सारे बहुत सारे फरमान है, हमेशा का है, तम्बाकू नोशी से दूर रहो, शराब नहीं पियो, जिना नहीं करो, कभी आपने कहा? आपने सुना कि जिना करो, जाओ शराब पियो, जाओ जो तंबाकू नोशी तो करो? जिशान भाई, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये फरमान सिर्फ इस्माइली जमात के लिए है, या इस ये सब चीजें इमाम पर भी लागू होती हैं? इमाम क्या पाबंद नहीं इन सब चीजों का, जो वो दूसरी जमा अपनी जमात को कह रहा है करने के लिए? उसकी अपनी बेटी सिगरेट पीती है, शराब पीती है, उसका अपना बाप सिगरेट पीता था, उसका दादा शराब पीता था, और उसने यहाँ तक इंटरव्यू दिया कि मैं जब शराब पीता हूँ और मैं इतना पाक हूँ कि वो जब मेरे होठों से गिलास लगता है तो वो पानी बन जाता है। इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स, इतने बड़े बड़े न्यूज मैगजीन में वो रिपोर्ट शाया हुई। आपके इमाम खुद सरीना होटल में शराब बेचते हैं। आपके इमाम की जो फोटो मिली है कि वो अपने अलम शायर, उनकी जो बोट थी उस पर वो एक अंग्रेज औरत के साथ, नहीं एक नहीं बल्कि 4-5 अंग्रेज औरतों के साथ, वहां पर अली मोहम्मद आगा खान भी बैठा हुआ है,
तो मुझे बताइए कि क्या इमाम पर जना की पाबंदी नहीं? इमाम जब दूसरी औरतों के साथ नाचता है तो क्या वो सब चीजें जना में नहीं शामिल होती? क्या आप ये चीज मान सकते हो कि जो जिस चीज जिस शय के अंदर जिस इंसान के अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है और वही नूर जो है वो किसी गैर मुस्लिम औरत के साथ नाचे क्लब और पार्टीज में? भाई जो हुक्म तो पहले दिया जाता है कि जब खुद उस पर अमल किया जाए, ना आपके इमाम नमाज पढ़ते हैं, ना आपके इमाम इस्माइली दुआ पढ़ते हैं, ना आपके इमाम खुद हज पे जाते हैं, ना दूसरे और किसी को कहते हैं, ना आपके इमाम जकात देते हैं, ना और जकात का पैसा तो गरीबों का है, वो इमाम पर उसका हक ही नहीं है, लेकिन आपके इमाम का फरमान है कि तुम इस्माइली जमात के पैसों से मेरे घर का चूल्हा जलता है। यानी ये कहना कि ये इसमें इमाम का हक है। जब आप दसवन नहीं देते तो बड़े बड़े वाइजिन ये कहते हैं कि आप इमाम के हक पर डाका डालते हो। तो जकात पर तो इमाम का हक ही नहीं है, जकात पर तो गरीबों का हक है। यही बात मैं बताने वाला हूँ ना आपको। अभी जो इस्माइली लोग गलत कर रहे हैं उसमें इमाम के दोष नहीं ना। अभी देखो इमाम दसवंत किस लिए दे रहे हैं, हम जो जमाखाने में जो भी हम रख रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? किस लिए अब दे रहे हैं मुझे पाकिस्तान बताइए। में कितने इदारे हैं पाकिस्तान में जो आगा खान के, वो कौन बताइए, चला रहा है? आगा खान अपने जेब से पैसे तो नहीं दे एक रहा है एक ना बताइए, एक बताइए, एक का इस्माइली नाम ले को लें, ना। एक का नाम ले लें, क्या एक भी इदारे का नाम ले लें जरा। सारे दारे जिसमें हेल्थ और हेल्थ का, एजुकेशन में कितने जो ठीक है, अब अपने हेल्थ का सुन खर्च लीजिए, हो हेल्थ रहे हैं का सुन कौन लीजिए, चला रहे? एक सेकंड, नहीं नहीं हेल्थ मैं हेल्थ चला का रहा सुन हूँ लीजिए, आगा आप खान किसी को लगा हॉस्पिटल। क्या? मेरे भाई आगा खान हॉस्पिटल हाँ सिर्फ इतना लिखो, क्या मुफ्त इलाज करता है? आगा खान इस वक्त सबसे महंगा तरीन हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब इलाज नहीं करवा सकता। आगा खान स्कूल्स में और आगा खान यूनिवर्सिटी में आप जब तक लाख लाख रुपया महीने की फीस नहीं देते तब तक वो वहां पर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर आपके पैसों से बनाए हुए इदारे मुफ्त चलते होते ना तो हम कहते कि हाँ भाई आप लोगों से पैसे लिए और वो अब इदारे आप लोगों के इसने नाम कर दिए, लेकिन वही जो इदारे आप लोगों के पैसे से बनते हैं उसी में आप लोगों को आने के लिए, इलाज करवाने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। कौन सा स्माइली तो सेंटर पैसे है? जो गरीब, नहीं ऐसा नहीं है, जो गरीब वहां जाता है, जो गरीब एकेडमी में जाता है उसके लिए वेलफेयर होता है, खुद से वेलफेयर मेरे होता है, भाई उसका हक वेलफेयर होता के है। लिए लंबी जो लाइनें लगती हैं और जो आपकी यहाँ पे इस्माइली जो बात लाइन सुन लीजिए, आपकी जो इस्माइली काउंसिल है ना वहां पर जूतियां घसीटनी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी जो आपके काउंसिल के लोग हैं ना वो अपने पसंदीदा लोगों को ही अगर वो देते हो तो देते हो, वरना कितने गरीब लोगों की वीडियो मेरे पास मौजूद है जो आज भी इलाज के लिए रो। जाके एकेडमी में देख सकते हो, एक दिन में कितने जो आप जो अहले सुन्नत के कितने आ रहे हैं, कितने लोगों को मेरे वेलफेयर दे रहे भाई हैं आप आपने। सिर्फ हवाई बातें कर रहे हो, आप मुझे कोई एक ऐसा इंसान लाकर दो जो वो ये कहे कि ये मेरा बिल है और उस पर लिखा हुआ हो कि तुम्हारा बिल माफ कर दिया है आगा खान ने, लाकर दो। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। आपको पता है कि आगा खान पर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आपको पता है आगा खान पर पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है हाई कोर्ट ने एक केस किया है जो अभी भी जियो पर चल रहा है, और उसमें ये है कि आगा खान ने रफाई इदारे के नाम पर यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने के नाम पर पाकिस्तान की हुकूमत से जमीन ली थी मुफ्त में, लेकिन अब वहां पर कारोबार चलता है। ये न्यूज अभी भी अगर आप जियो पर सर्च करो कि आगा खान पर, आगा खान के हॉस्पिटल पर केस पाकिस्तानी हुकूमत का, तो पाकिस्तानी हुकूमत पागल है कि वो आगा खान पर केस करेगी कि तुमने मुफ्त में हमसे जमीन ली। पाकिस्तानी हुकूमत कल परसों ही मेरे भाई उसको दो दो तीन तमगे अभी नहीं दिए वो, आप लोग नाइनटीन सेवन बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप लेकर आओ, आप लेकर आओ, 1975 में आपके इमाम को तमगे इम्तियाज दिया गया था और अब वो ही, पहले आप कल लेकर आओ, जो आप लेकर पाकिस्तान की आओ, जो हुकूमत ने, लेकर आओ, लेकर आओ। भेजूंगा मैं अगर आपको आप अभी नहीं आप लेकर आए, जो क्योंकि नहीं मैंने मुझे तो, मेरी बात देखा सुनिए, जो आप पूरी मेरी बात नहीं सुन रहे, हाँ जी आपके इमाम, मैं क्या आपके इमाम को ना, मैंने, मुझे भी इस्माइलियों ने वो वीडियो भेजी थी, मैंने सर्च की, वो जो वीडियो है ना वो 1975 वाला जो तमगा इम्तियाज है ना उसी की क्लिपिंग है कि इमाम को, आपके इमाम को 1975 में तमगा इम्तियाज मिला,
उसके बाद आपके इमाम को अगर पाकिस्तान आना होगा तो उनको तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। आपका इमाम तो आया ही नहीं अभी कुछ दिनों में, तो ये तो झूठी अफवाह है। इसी तरह कुछ दिन पहले एक बात हुई थी कि आपके इमाम ने पता नहीं 60 हजार मिलियन डॉलर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए दिया। जब मैंने उस न्यूज चैनल को पकड़ा कि कहाँ पर है ये 70-60 मिलियन आप लोग जो कह रहे हो, तो वो लोग अपनी वीडियो उतार कर चले गए। उस औरत को मेरे पास अभी भी वो वीडियो बनी हुई है। मैंने उस जो लड़की थी जिसने वो वीडियो बनाई थी, मैंने उसको कहा कि सबूत लाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। वो वीडियो भी उतर गई और वो लड़की भी मुझे ब्लॉक करके भाग गई। अभी भी मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है जहां मैंने उस लड़की को कन्फ्रंट किया और वो वीडियो फौरन उतार दी गई। आप लोगों की हाँ झूठी झूठी तारीफें इमाम की पुरानी पुरानी भी न्यूज नहीं है। जो एजुकेशन हेल्थ के हवाले से खान का जो किरदार है उसने जो किया है हेल्थ और एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में उसके लिए मेरे भाई वो क्या मेरी बात सुनो, क्या वो अपने पैसों से कर रहा है क्या? आप लोगों से लेता है और फिर वो जगहें खड़ी कर देता है और वहां पर अंदर जाने की भी। अब म्यूजियम आप लोगों के पैसों से बना, इस्माइली सेंटर आपके पैसों से बना, लेकिन वो म्यूजियम अब वहां पर इतने हजारों की टिकट बिकती है वहां पर। हमारे पैसों से बनाना, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, मैं भी यही बात आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पैसे हम इमाम को नहीं दे रहे, हम अपने जो इस्माइली कम्युनिटी पाकिस्तान में जो भी है उनके लिए इस्तेमाल होता है। मतलब मेरे जो भाई जाता है वो इमाम बात सुनो, आपके इमाम को हर साल 1.3 बिलियन आप लोगों की जमात खानों से मिलता है। अगर उसमें से 1-2 लाख 10 लाख भी, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, 20 लाख 25 लाख अगर वो कुछ लगा कर ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि 1.3 बिलियन मिलने के बाद मैं 20-25 लाख का कोई कुछ खड़ा कर देता हूँ, तो आप लोग उसी को मानते हो? ये नहीं देख रहे कि हर साल उसको 1.3 बिलियन मिलता है उसको? तो मुझे बताइए फ्री कौन सा है मेरे भाई, फ्री कौन सा है? आगा खान लेबोरेटरी में चले जाओ। आप सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो जीशान भाई, जीशान भाई सिंपल सी बात सुन लो, आपसे कुछ पैसे आपके पूरे घर वालों से मैं लेकर एक बिल्डिंग बनाती हूँ और फिर वहां पर मैं टिकट लगा देती हूँ। अब आपकी बनाए हुए चीजों से मैं वहां पर फिर कमाई कर रही हूँ, तो ये तो मैं फिर अपना नाम वहां पर लगा दूं कि जी इसमें मेरा नाम है। इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं, पैसा आप लोगों का, और फिर जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो उसमें एक कारोबार होता है, तो ये तो आपके इमाम आपको धोखा दे रहे हैं। जमात खाना जब बनता है ना, तो सारी इस्माइली जमात मिलकर वो जमात खाने की खिड़कियां, दरवाजे, पेंट, हर चीज इस्माइली जमात के पैसों से होती है। लेकिन बाहर बोर्ड लग जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ करीम आका खान। अब वो प्रॉपर्टी बनने के बाद जो है वो करीम आगा खान की बन जाती है, वो जमीन हो, वो बिल्डिंग हो, वो एक एक चीज जो है वो आगा खान की बन जाती है। कल को मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास क्या अश्योरिटी है कि करीम आगा खान आपके पैसों से बनाई हुई बिल्डिंग को किसी को बेच के चला जाए, तो आप लोगों के पैसे तो गए ना, और वो आपकी प्रॉपर्टी थी, वो पूरी जमात की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके बाहर बोर्ड क्यों लगता है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ करीम आगा खान? तो थोड़ा इस चीज को समझिए। अच्छा जीशान भाई एक जरूरी बात ये है, आपके साथ मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन मेरा कल इंटरव्यू है, आज मेरा एक क्लब हाउस पे इंटरव्यू है, परसों मेरा जो है वो एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू है, तो मुझे माजरा देना मेरे भाई। मैं थोड़ी देर के बाद जब ये सब काम खत्म हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। आप बहुत अच्छे से बात करते हो, सुनते भी हो, समझते भी हो, तो मुझे थोड़ी सी माजरत दो, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है भाई? निशान भाई ओके, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे भाई, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम, ओके।